अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल को TCA यानी ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज इस साइकिल के लिए यूज़ की जाती हैं। क्रेब्स साइकिल इसे डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट की बेस पर कहा जाता है। ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है कि इस साइकिल में सिट्रेट की प्रोडक्शन होती है और सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोजाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो सिट्रेट सिंथिसाइज होता है इस साइकिल में, इसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज इस साइकिल के लिए यूज़ होती हैं। क्रेब्स साइकिल सेलुलर रिस्पायरेशन का सेकंड स्टेप माना जाता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो क्रेब्स साइकिल इज द सेकंड प्रोसेस। अब रिस्पायरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होता है। सो लेट्स गेट इनटू द बोर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इंटू 2 पाइरूवेट, यानी 6 कार्बन मालिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2-3 कार्बन मालिक्यूल्स में बाई द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कॉमन है बोथ इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। इसे ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये जो पाइरूवेट के मालिक्यूल्स हैं, ये जो 2 पाइरूवेट के मालिक्यूल्स हैं, ये इंटर हो जाते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और रेडी हो जाते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल। बट बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल, ये एक और प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं। लिंक्ड रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे, ये लिंक करवाता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। इस रिएक्शन में क्या होता है, पाइरूवेट का मालिक्यूल कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, यानी 3 कार्बन मालिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2 कार्बन मालिक्यूल और एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और यही हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ ये जो लिंक्ड रिएक्शन है, इसमें NAD+ से NADH की भी सिंथेसिस होती है, यानी एक रिड्यूसिंग पावर भी जनरेट हो रही होती है। यानी पाइरूवेट से इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होते हैं और NAD+ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होकर NADH बन जाता है। अब क्योंकि 2 पाइरूवेट के मालिक्यूल हैं, तो 2 NADH के मालिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, जनरेट होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल रिलीज होंगे और 2 ही एसिटाइल को ए के मालिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। को ए इसलिए लिखा जाता है कि इन एसिटाइल मालिक्यूल के साथ को ए एंजाइम आकर अटैच हो जाता है। नाउ दिस एसिटाइल को ए मालिक्यूल इज रेडी फॉर क्रेब्स साइकिल। अब ये मालिक्यूल रेडी हो चुका है क्रेब्स साइकिल के लिए। तो देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट नामी एक मालिक्यूल प्री असेंबल्ड, पहले से तैयार पड़ा हुआ होता है। ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स और ये अटैच हो जाता है टू न्यूली एसिटाइल को ए मालिक्यूल। ये जो मालिक्यूल सिंथेसाइज हुए हैं ना ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से और पाइरूवेट से होते हुए चेंज हुए हैं इनटू एसिटाइल को ए, ये आकर अटैच हो जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये जो एसिटाइल कोए के मालिक्यूल हैं और ऑक्सैलो एसीटेट, ये आपस में जब अटैच होते हैं तो सिट्रेट का मालिक्यूल बनता है जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन। और यहाँ से कोएंजाइम ए एसिटाइल कोए से रिलीज हो जाता है और ये रेडी हो जाता है टू अटैच विद अनदर पाइरूवेट मालिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिट्रेट विल बी कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। अगले प्रोसेस में ये सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। और आइसोसिट्रेट क्या है? आइसोमर है सिट्रेट का। और आइसोमर क्या होता है? हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, यानी ये 6 कार्बन मालिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मालिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है।
और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होते हैं और Na+ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके NADH की सिंथेसिस कर देता है। यहाँ पर NADH के मॉलिक्यूल की भी सिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ससिनाइल को ए, यानी 5 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल और इसमें अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, अगेन NADH की प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि और साथ साथ को एंजाइम ए भी आकर इसके साथ अटैच हो रहा है, इसीलिए इसे ससिनाइल को ए बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ससिनाइल को ए जो है ये ससिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इससे ये जो को एंजाइम ए है ये रिमूव हो जाता है और इस स्टेप में ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है टू ऐड फॉस्फेट टू दी ADP और ADP से वो ATP की सिंथेसिस करवा देता है। एक्चुअली में यहाँ पर GTP की सिंथेसिस होती है, यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट इट इज़ इक्वल टू ATP, इसलिए मैंने दोनों लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो ससिनेट का मॉलिक्यूल है जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्यूमरेट, यानी इससे कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और एक और टाइप का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप NAD का ब्रदर कह सकते हैं, इट इज़ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव सेम एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ फ्यूमरेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होती है और मैलेट दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन कर देता है ताकि ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से किसी न्यू को एसिटाइल को है के साथ अटैच हो और साइकिल कंटिन्यू होता रहे अगेन एंड अगेन, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में अगेन NAD+ से NADH की सिंथेसिस हो रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हुए, कितने NADH की प्रोडक्शन हुई, कितने ATP सिंथेसाइज हुए। लिंक रिएक्शन में तो हम देख चुके हैं कि 2 NADH सिंथेसाइज हुए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। नाउ ग्लूकोज इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन रिलीज होने चाहिए, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होने चाहिए। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, 2 रिलीज हो चुके हैं, 1 यहाँ पर रिलीज हो रहा है, 1 यहाँ पर रिलीज हो रहा है, 4 रिलीज हो चुके हैं। एंड वी नो दैट देयर आर 2 acetyl CoA molecule। acetyl CoA molecule कितने होते हैं, 2 बनते हैं पाइरूवेट से, तो ये साइकिल 2 बार रन होगा, यानी ये जितनी भी सिंथेसिस हुई हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 1 कार्बन यहाँ पर निकला है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये 2 बार जब रन होगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 यहाँ पर रिलीज होंगे, तो ओवरऑल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 4 क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, उसके सारे कार्बन के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें NADH की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही है, 3 जगह पर NADH की सिंथेसिस हो रही है और ये साइकिल 2 बार होता है, तो टोटल 6 NADH क्रेब्स साइकिल में सिंथेसाइज होते हैं। इसके बाद FADH यहाँ पर हमने देखा है FADH2 की सिंथेसिस हुई है, तो ये साइकिल 2 बार रन होता है, तो 2 FADH की सिंथेसिस होती है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा है 1 मॉलिक्यूल ATP का बनता है, तो ये साइकिल 2 बार रन होता है, तो 2 ATP क्रेब्स साइकिल में जनरेट होते हैं। और यही हम स्टडी करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस भी 2 ATP जनरेट करता है और क्रेब्स साइकिल भी 2 ATP एनर्जी जनरेट करता है। अब मोस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जनरेट होती है, और वो कौन जनरेट करते हैं, NADH और FADH, इनके इलेक्ट्रॉन जिन में हाई एनर्जी होती है ये प्रोसेसेस से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेसेस से गुजरते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जनरेट होती है, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।